अस्सलाम वालेकुम, किचन विद रिहाना में आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम आपको बहुत ही इजी और आसान कोरमा बनाना बताते हैं, जो बहुत कम सामान में बन जाता है। जिसके लिए देखिए, हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च और मखाने हमने पहले ही भिगा दिए थे। एक करीब 1 कप मखाने लिए हैं और हमने 15 से 16 हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं। इनको गर्म पानी में भिगा दिया था, पानी बिल्कुल सोख कर लिया है। इनको अब हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इनका एक पेस्ट बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से ये हो गए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। ठीक है, अब इसको देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। आइए अभी इधर देखते हैं। ये चिकन, ये हमने 1/2 kg चिकन लिया है और इसको हमने अच्छे से धो के चन्नी में रख लिया है, ताकि इसका पानी निकल जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इधर हमने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 2 लौंग, 2 इलायची हमने डाली है। जब इनमें अच्छी से खुशबू आ जाए, तभी हमें अपना चिकन इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी इस तरीके से, और डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये डालने के बाद अच्छे से हमें इसको इन दोनों तीनों चीज़ों के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे नमक, ताकि नमक डालने से जो भी इसका चिकन का पानी हो वो रिलीज़ हो जाए और ये अच्छे से एकदम फ्राई हो जाए। सारा पानी इसका खुशक हो जाना चाहिए। अब ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम मखाने और लाल मिर्च का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ था। ये देखिए, और इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप दही, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए दही आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दही नहीं हो तो आप इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बस अब कवर करके बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। देखिए लो फ्लेम पर हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। ये अच्छे से तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके की हमें इसकी ग्रेवी चाहिए थी। ये देखिए कितना अच्छे से ये तैयार हुआ है। इस तरीके से इस चिकन को आप बना कर देखें, बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से बन जाता है। इसको रोटी से, तंदूरी पर रोटी से, या सादा चावल से किसी से भी आप खा सकते हैं। खाने में ये बहुत मज़े का होता है, बनाना बहुत आसान। अगर हमारी ये वीडियो आप पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन विद रिहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।